जी हाँ नमस्कार। संपूर्ण भारत यात्रा पर साइकिल पर निकले नरपत जी गहलोत आज तनोट माता जी के मंदिर पहुँचे, और साथ ही आप देखिए माता जी के मंदिर के दर्शन करेंगे। नरपत जी तनोट माता जी के मंदिर साइकिल यात्रा से पहुँचे। ये आप देख रहे हो तस्वीर में तनोट माता जी का मंदिर है, और साथ ही नरपत जी आज रात वहीं पर रुकेंगे। सुबह वहाँ से तनोट से वापस रवाना होंगे, जो कि बीकानेर रुकेंगे। बीकानेर के बाद में फिर नागौर आएंगे लिक्ष्मीदास जी का मंदिर। ऐसे ही करते करते नरपत जी संपूर्ण भारत की यात्रा करेंगे। इनका मकसद एक ही है, गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करें, पेड़ पौधे लगाएं, जीव जंतुओं की सेवा करें। यह संदेश देते हुए संपूर्ण भारत में साइकिल पर यात्रा करेंगे नरपत जी। जोधपुर राजस्थान के रहने वाले माता का थान, ये देखिए एक कितनी बड़ी यात्रा है जो गौ माता के लिए कर रहे हैं नरपत जी गहलोत। इनके मंदिर, इनके दिल के अंदर एक गौ माता के लिए इन्होंने ठान लिया है कि मुझे पूर्ण भारत में गौ माता का संदेश फैलाना है कि गौ माता को राष्ट्र माता को घोषित करे। ये आप देख रहे हो नरपत जी जो कि संपूर्ण भारत में गौ माता के लिए साइकिल यात्रा कर रहे हैं। आप इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना सभी दोस्तों। आप यात्रा नहीं कर पाते परंतु नरपत जी के वीडियो को शेयर जरूर कर देना। संपूर्ण भारत में ये यात्रा कर रहे हैं गौ माता के लिए। ये तस्वीर आप देख रहे हो, ये देखिए ये तनोट माता जी के मंदिर पहुँचे हैं नरपत जी। आप इस वीडियो को शेयर करें आगे से आगे, और सुबह की यात्रा नरपत जी की वापस तनोट से रवाना होकर जैसलमेर से होते हुए, जैसलमेर से होते हुए सीधा बीकानेर आएंगे। बीकानेर आएंगे देशनो करणी माता का मंदिर आएंगे बीकानेर नरपत जी साइकिल यात्रा से।